केएल राहुल ने अपने आईपीएल के 100वें मुकाबले में शतक जड़कर रिकॉर्ड बना दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में केएल राहुल ने 60 गेंद खेलते हुए 103 रन की पारी खेली। इस दौरान 5 छक्के और 9 चौके जड़ दिए। केएल राहुल की नाबाद शतकीय पारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 विकेट खोकर 199 रन बना दिए। मुंबई के खिलाफ शतक लगाकर राहुल ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। वो एक आईपीएल टीम के खिलाफ शतक जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले क्रिस गेल, विराट कोहली और डेविड वार्नर के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं केएल राहुल विराट कोहली के बाद आईपीएल में दूसरा शतक जड़ने वाले कप्तान बन गए हैं। केएल राहुल के अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से क्विंटन डिकॉक ने 24 रन की पारी खेली। वहीं मनीष पांडे ने 38, स्टोइनिस ने 10, दीपक हुड्डा ने 15, वहीं कृणाल पांड्या एक रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो जयदेव उनादकट ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट झटके। वहीं मुरुगन अश्विन को 4 ओवर में 1 विकेट मिला। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 24 रन दिए और उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिल पाया। फैबियन एलियन भी 4 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट हासिल कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दिए गए 199 रन के लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।